सिराज विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में हमने ऐतिहासिक विकास किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो सुविधाएं सिराज विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में होनी चाहिए थी उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं जंजैहली में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हमने आज 12 उद्घाटन और 2 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 14 उद्घाटन शिलान्यास के दोनों ये कार्यक्रम किए हैं और जिसमें लगभग जो है वो 29 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं आज समर्पित की गई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे जिसका जिक्र करना है कि जंजैहली में हमारे यहाँ पर इंडोर स्टेडियम जो 6 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ और ऐसे इलाके के लिए इस प्रकार की सौगात मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सपने को साकार करने वाली बात है। बहुत लंबे समय से सारी बात को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि ये होना चाहिए, ये आज पूरा किया। और दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जंजैहली में जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है यहाँ लगभग 11 करोड़ की लागत से इस भवन का आज उसको पूर्ण किया। इसका शिलान्यास भी मैंने ही किया था, उस वक्त ये CSC था और मुझे इस बात का अफसोस है कि बीच में आधी अधूरी बिल्डिंग का कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनॉग्रेशन कर दिया था जबकि सुविधाओं की दृष्टि से उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने इसका जो पूरा इसकी जो ड्राइंग बनाई थी और जिसके लिए हमने ANDS भी दी थी और जिसके लिए बजट प्रोविज़न भी किया था, हमने सरकार बनने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया कि जो हमने स्वप्न लिया था यहाँ पर, जो हमने सोचा था जंजैहली में स्वास्थ्य की सुविधाएं इस प्रकार से होनी चाहिए, आज वो हमने विधिवत उसका उद्घाटन करके इस हॉस्पिटल का समर्पित किया है और 11 करोड़ की लागत से इसके लिए बजट का प्रावधान रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जंजैहली का इलाका हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ रहा है और अभी हाल ही में हमने यहाँ जंजैहली में एक भवन जो है ADB के माध्यम से जो बनकर के तैयार हुआ था उस भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ पे उसको फर्दर आगे जो है वो काम करने के लिए हमने युवा क्लब महिंद्रा के साथ टाई अप करके और बहुत जल्दी कुछ काम उसमें वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने के पश्चात अगला जो हमारा सीजन आएगा यहाँ का टूरिस्ट सीजन आएगा उसमें उसका एक बहुत बड़ा उसका एक लाभ रहेगा, वो एक सुविधा यहाँ पर होगी। और वो भवन जो बनकर के शायद महकल में 25 करोड़ की लागत से लगभग बन करके तैयार किया था। और उसी तरह से यहाँ लोगों के आने जाने के लिए ठहरने के लिए सुविधा बेहतर होनी चाहिए, इस तरह से मैंने IPH का भी एक रेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया जिसका कुछ दिन पहले मैंने उद्घाटन किया था और PWD डिपार्टमेंट का यहाँ एक छोटा सा रेस्ट हाउस था जिसमें मात्र 2 सेट रहते थे और बहुत पुराना था, तो PWD का भी आज एक नया रेस्ट हाउस यहाँ पर बना करके हमने आज जिसका उद्घाटन किया 4 करोड़ 12 लाख की लागत से, उसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ शिलान्यास के हमने यहाँ पर ये किए हैं और आज और चीज़ों को लेकर के हम आज शुरू कर रहे हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ का डिवीज़न है उसका भी विधिवत आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। जंजैहली में PWD के हमारे सर्कल का पहले PWD का डिवीज़न मैंने दिया था यहाँ पर और डिवीज़न के बाद सर्कल भी यहाँ पर दिया और उस सर्कल को भी आज हम विधिवत हम शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारा भुला में हमारा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क वो भी जो है उसका भी हमने विधिवत आज 1 करोड़ 20 लाख की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ, उसका भी विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोधाधार उसको भी शुरू कर रहे हैं, राजकीय माध्यमिक पाठशाला तुंगाधार उसको भी शुरुआत कर रहे हैं, राजकीय माध्यमिक पाठशाला भजवाड़ उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं और
लंबा थाच में 5,000 मीटर क्षमता के जो मिल्क कूलर का एक जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, बल्क कूलर जो है होता है, और उसी तरह से हमारा शटाधार में जो खोड़ा थाच में जो नेचर पार्क जो है वो 1,75,00,000 की लागत से बन करके तैयार हो, उसका हमने शिलान्यास किया। और खावली में भी नेचर पार्क, कुछ बहुत सुंदर डेस्टिनेशन हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें खावली भी एक है, गाड़ाक्षण भी एक है, तो 3.5 करोड़ की लागत से उसका भी हमने आज शिलान्यास किया, कि कुल मिला करके 29 करोड़ के लगभग उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज के दिन यहाँ पर जंजैहली में हमने समर्पित किए हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और खुशी की बात है कि नवरात्रि के दिनों में ये शुभ कार्य पूरा हुआ है। और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा एक दायित्व बनता था क्षेत्र के विकास को हम गति दें, उसमें हम सफल हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें राजधान सभा क्षेत्र में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में की हैं जिसके बारे में न किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीज़ें राजधान सभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हुई है।